नमस्कार, फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर पुनः एक बार हाजिर हूँ। लैंडलॉर्ड वर्सेस टीनेंट्स, मकान मालिक बनाम किराएदार, एक ऐसा रिश्ता है जो अक्सर यह देखा गया है कि कोर्ट की जद्दोजहद तक पहुंचता ही है। मामले इतने पेचीदा और लंबे हो जाते हैं कि बरसों तक किराएदार और मकान मालिक की यह जंग कोर्ट के किनारों से थपेड़े खाता हुआ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचता है और वहां से इन दोनों के बीच मकान मालिक और किराएदार के संबंध कैसे पॉजिटिव हों, कैसे समन्वय कायम रह सके और दोनों में से एक भी अपने अपने जद से बाहर न जाए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, ऐसे जजमेंट्स आते रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी मालिक और किराएदार के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा इस विशेष एपिसोड में करेंगे। एपिसोड का प्रारंभ करूं उसके पहले मैं बता दूं कि यह सीरीज कई किस्तों में होगा। आज पहली किस्त हम यहां जारी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी श्रृंखला जारी रहेगी। तो जी हां जनाब, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें अगर यह विषय आपकी रुचि का है। तो इस एपिसोड में हम आज दो बात करेंगे। देखिए, पिछला एपिसोड जो मैं लेके आया था वो किराएदारों के अधिकारों की बात करता था और इस सारी आपकी टिप्पणियाँ आई, नाराज़गी भी आई, लेकिन आज हम मकान मालिक के हक और हुकूक की बात करेंगे। आज हम मकान मालिक के राइट्स की बात करेंगे और मकान मालिक अगर किराएदार से परेशान हैं तो वो किस तरह किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल बाहर कर सकते हैं, इसी दो विषयों पर आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आए हुए तमाम जजमेंट के बैकग्राउंड में के मद्देनज़र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेंटिंग एक पार्ट टाइम इनकम, एक पैसिव इनकम का बहुत अच्छा जरिया है और कई लोग अपनी मेहनत की कमाई को अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपना एक पैसिव इनकम, अपना एक रेंट इनकम तय करते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं तो अक्सर हम आपसे कहते हैं कि आप उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत बतौर रेंट एग्रीमेंट साइन करके ही प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट किराए पे चढ़ाएं। वैसे आप जानते हैं मेरे पिछले एपिसोड से कि मैं रेंट एग्रीमेंट का पक्षधर नहीं हूँ, मैं उसकी जगह लाइसेंस और लीव की बात करता हूँ, जिसकी चर्चा विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में कर रखी है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इंडिया में कोर्ट बड़े पड़े हैं इस तरह के मुकदमों के बीच में, जहां अपने अपने हक की लड़ाई मकान मालिक और किराएदार के बीच में चलती है। कोर्ट्स ने भी अपने अपने पार्टीज क्लेम और जो महारत के मौजूदा रेंटल कानून हैं उसके तहत निर्णय दिए हैं। ये निर्णय कभी ऐसा लगता है या ऐसा होता भी है कि किराएदार के पक्ष में है, ये फ्लक्चुएट होता है सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, और कभी ये उनके खिलाफ, कभी ये मकान मालिक के पक्ष में तो कभी किराएदार के पक्ष में आते जाते रहे हैं। लेकिन जो मूल बात है कि कुछ केस, ऐसे ऐतिहासिक केस, ऐसे हिस्टोरिकल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं और उन्होंने रेंटल लॉज को चैलेंज किया है, टीनेंट्स के राउट को चैलेंज किया है, मकान मालिक के द्वारा इविक्शन प्रोसेस अपनाए जाने की प्रक्रिया को भी चैलेंज किया है।
इस संदर्भ में एक मुकदमा जो मुझे याद आता है वो कलकत्ता से एक सोप के पोजीशन को लेकर 1993 में शुरू हुआ कलकत्ता की सिविल अदालत से, और 30 साल में वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन 30 साल की यह लंबी लड़ाई हमें बहुत कुछ सिखा गई और हमें बहुत कुछ बता गई, और क्या क्या सावधानी बतौर मकान मालिक प्रॉपर्टी ओनर हमें लेना है। अगर हम इसकी बात करें तो हमें इस फैसले को, इस ऐतिहासिक फैसले को हमेशा याद रखना होगा। तो जी हाँ जनाब, यह मुकदमा कलकत्ता सिविल कोर्ट में 1993 में शुरू हुआ, जिसमें एक शॉप जो किराए पर दी गई थी उसको उसका कंट्रोल लेना था। शॉप 21 साल के लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट पर किराए पर चढ़ाई गई थी। 21 साल की मियाद लिमिट 1998 में पूरी हो गई, और जब मकान मालिक ने इस दुकान को खाली करने की बात करी तो किराएदार ने खाली करने से मना कर दिया। न सिर्फ मना किया बल्कि मकान मालिक के लिए अनेक तरह की परेशानियां भी पैदा की। अतः मजबूर होकर मकान मालिक को कलकत्ता की सिविल अदालत में 1993 में मुकदमा दाखिल करना पड़ा। 12 साल के बाद, जी हां, पूरे 12 साल के बाद सिविल कोर्ट का फैसला मकान मालिक के पक्ष में आया, लेकिन इसके बावजूद भी किराएदार ने यह दुकान खाली नहीं किया, मकान मालिक को परेशान करते रहे, और अंततः इसमें कुछ रिलीफ की गुंजाइश बनती, कोई रिलीफ मिलता मकान मालिक को, उसके पहले किराएदार ने जब देखा कि वह मुकदमा हार गया तो एक नए प्लेयर की बीच में एंट्री कराता है। एक नया प्लेयर बीच में आता है जो कि नेफ्यू है इस किराएदार का, और वह इसमें अपने शेयर की बात करता है। वह इस शॉप में अपने शेयर होल्डर होने की बात करके मुकदमे को एक नया रंग दे देता है, और इस नई डेवलपमेंट के कारण, इस नए कैरेक्टर के अपीयरेंस के कारण, जो मुकदमा मकान मालिक के पक्ष में डिसाइड हो चुका था उसमें और 12 साल लग गए, और अंततः यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में गौर करने के बाद यह पाया कि मकान मालिक के साथ किराएदार ज्यादती कर रहा है, और उसके पक्ष में, मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि जो लीगल प्रोसेस है, जो लीगल सिस्टम है, उसका दुरुपयोग कर रहा है किराएदार, और मकान मालिक को नाहक परेशान किया जा रहा है, और उसने मकान मालिक के राइट को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया, किराएदार को इमीडिएटली शॉप खाली करने का आदेश दिया, और तो और 1,00,000 रुपये की जुर्माना भी लगाई किराएदार पर। और जब से यह मुकदमा शुरू हुआ था, अर्थात जो पीरियड है जब फैसला मकान मालिक के पक्ष में आ गया था, वहाँ से और सुप्रीम कोर्ट तक आने में जो 12 साल का सफ़र लगा, उस पूरे 12 साल के लिए मार्केट रेंट पर रेंट देने की भी आदेश किया, और शॉपकीपर को वह रेंट अदा करना पड़ा, वह 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ा, और साथ ही 3 महीने के अंदर शॉप को खाली करके, दुकान को खाली करके लैंडलॉर्ड को उसका पोजीशन देना पड़ा। यह जजमेंट ऐतिहासिक इस लिहाज से है कि पहली बार मकान मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने यह भरोसा दिलाया कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है, संरक्षित है, उसको किराएदार इस तरह से ज़बरदस्ती लीगल प्रोसेस का दुरुपयोग करके कब्जा नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, और मकान मालिकों ने एक बड़ी राहत की सांस ली। अब यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में, इस घटना के परिप्रेक्ष्य में चंद बातें जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो पहला है कि मेरा एज ए लैंड लॉट राइट क्या है, मेरे अधिकार क्या हैं, क्या मैं अपने अधिकारों से परिचित हूँ, और इस मुकदमे के फैसले ने लैंड लॉर्ड के किस राइट को, किस किस राइट को स्टेबलाइज किया।
तो जो पहली बात इस मुकदमे से स्पष्ट हुई, जो फैसला आया, वो है कि लैंडलॉर्ड राइट ऑफ इविक्शन, कि मकान मालिक किराएदार को बाहर निकाल सकता है, बाहर का रास्ता दिखा सकता है, यह उसका हक है, हकूक है, या कानून कहता है। यह बात शिद्दत से स्टेबलाइज हुई पहली बार इस मुकदमे के फैसले में, क्योंकि इसके विपरीत रेंट कंट्रोल एक्ट है, जो अब उसकी बैकग्राउंड कुछ और है कि रेंट कंट्रोल एक्ट क्यों आया था, क्यों लाया गया था, जहां पर एक तरह से इविक्शन राइट्स पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस थे और मकान मालिक आसानी से एक बार जो प्रॉपर्टी किराए पे दे देते थे उससे खाली कराना मुश्किल होता था। 12 मंथ के मियाद तक की लिमिट तक अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी गई तो वह रेंट कंट्रोल एक्ट में आ जाता था, और रेंट कंट्रोल एक्ट में आने के कारण लैंडलॉर्ड के लिए मकान या दुकान खाली कराना बड़ा ही टास्क हो जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जहां राइट ऑफ इविक्शन लैंडलॉर्ड के राइट को प्रोटेक्ट किया, वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया इस फैसले ने कि चाहे वह प्रॉपर्टी आगे किराएदार ने किसी को सब लीज कर दी हो, यह महत्वपूर्ण है कि वह प्रॉपर्टी आपने किराया पे एक्स को दिया लेकिन एक्स ने वाई को दे दिया, और जब आप खाली करने गए या खाली कराने गए तो वाई कहता है एक्स ने मुझे दिया है, आप कौन, मैं आपको पहचानता नहीं, ऐसी स्थिति में भी लैंडलॉर्ड को राइट दिया गया कि नहीं, अगर वह प्रॉपर्टी आगे भी किराए पे चढ़ा दी गई है तो मकान मालिक को यह राइट है कि वह किराएदार को वहाँ से निकाल बाहर करे। दूसरी जो बात इस फैसले से स्पष्ट हुई, या जो मकान मालिक का राइट है, कि अगर किराएदार को किसी भी कारण से वो उस प्रॉपर्टी में का इस्तेमाल करने में या रहने में अनफिट पाता है तो भी वह किराएदार को निकाल बाहर कर सकता है। जो तीसरी बात और स्पष्ट हुई, और इन सारे मद्देनज़र चीज़ों को देखते हुए, सारी परेशानियों को देखते हुए, हमारे यहाँ एक मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020 भी लाया गया, ताकि यह जो नाजुक संबंध है यह कायम रह सके, एक दूसरे को परेशानी ना हो सके। तो हम इस वीडियो में आज उस मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020, लैंडलॉर्ड के क्या अधिकार हैं, उसकी भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। इस जजमेंट के बियॉन्ड जो आया मॉडल टेनेंसी एक्ट, पहली बात कि अनटाइमली इविक्शंस ऑफ टेनेंट्स, मॉडल टेनेंसी एक्ट किरायानामा क्या कहता है, करार क्या था, एग्रीमेंट क्या था, इसके बावजूद किराएदार को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके समय से पूर्व अनुबंध समाप्त होने के लिए भी जाने को कह सकता है। यह मॉडल टेनेंसी एक्ट लैंडलॉर्ड को यह भी अधिकार देता है कि अनुबंध के समय में, एग्रीमेंट के बीच के पीरियड में भी आपसी सहमति से उस प्रॉपर्टी का किराया बढ़ाया जा सकता है। मॉडल टेनेंसी एक्ट मकान मालिक को उस प्रॉपर्टी पे रीपोजिशन के लिए केस करने का, वापस अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त करने का भी अधिकार देता है। अब सवाल उठता है कि एक लैंडलॉर्ड इस मॉडल टेनेंसी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में किन किन हालातों में इविक्शन का केस फाइल कर सकता है, किराएदार को बाहर जाने के लिए कह सकता है, बाहर का रास्ता दिखा सकता है। तो मोटे तौर पर अगर किराएदार इस प्रॉपर्टी को बिना मकान मालिक के अनुमति के सब लीज करता है तो वह इसको ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट माना जाएगा, और लैंडलॉर्ड किराएदार को बाहर जाने की बात कर सकता है। दूसरा आधार है कि अगर किसी भी तरह के अनुबंध में ब्रीच हुआ है, उसकी अवहेलना हुई है, तो भी लैंडलॉर्ड किराएदार को बीच में जाने को बाहर कह सकता है। तीसरी बात, अगर उस प्रीमाइसेस में जो किराए पे दी गई है किसी भी तरह की इलीगल, गैर कानूनी गतिविधि
होते हुए पाई जाती है तो भी मकान मालिक किराएदार को समय से पूर्व बाहर जाने के लिए कह सकता है। अगर किराएदार रेंट की पूरी रकम समय से अदा नहीं कर रहा है तो यह भी एक अधिकार बनता है, यह भी एक आधार बनता है जिस पर मकान मालिक किराएदार को बाहर जाने को कह सकता है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी ओनर को अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए या अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो भी वो अनुबंध के पीरियड के समाप्त होने से पूर्व किराएदार को बाहर जाने का रास्ता दिखा सकता है। अगर एक डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रिहायशी प्रॉपर्टी है और वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी करता हुआ किराएदार पाया जाता है तो उस हालत में भी मकान मालिक किराएदार को बाहर जाने के लिए कह सकता है। अगर प्रॉपर्टी में कोई टूट फूट हो गई है, उसमें रद्दो बदल करने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है तो उस हालत में भी मकान मालिक किराएदार को बाहर जाने के लिए कर सकता है। और कोई आवश्यक नहीं है कि रिपेयर और मेंटेनेंस पूरा होने के बाद वह उसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी लीज पर दे, वह स्वतंत्र है, वह किसी तीसरे भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी लीज पर दे सकता है। अब सवाल उठता है कि किराएदार अगर उस प्रॉपर्टी में रह रहा है और उसमें किसी तरह की रिपेयर की ज़रूरत है तो वो रिपेयर के शर्तें हैं, लेकिन हर हालत में वह मकान मालिक को उस रिपेयर के बारे में इन्फॉर्म करेगा, उसको सैंक्शन लेगा, परमिशन लेगा, तभी वह प्रॉपर्टी में रिपेयर करने का अधिकारी बनता है। यह मकान मालिक की जिम्मेवारी है कि वह प्रॉपर्टी को गुड कंडीशन में रखे और किराएदार उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करे। अगर ज़रूरी है तो टीनेंट लैंडलॉर्ड को एडवांस में नोटिफाई करके छोटे मोटे रिपेयर्स या मेजर रिपेयर्स कर सकता है। रेंटर को माइनर रिपेयर्स करने का अधिकार है, बट वो भी रिपेयर स्पेसिफिक सर्कमटांसेस में लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म करके किया जाना ही बेहतर होगा और परमिशन लेकर। कानून यह भी कहता है कि इस तरह के रिपेयर का जो भी खर्चा आएगा वो कायदे से आपसी समझौते में, आपसी संवाद के द्वारा मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक उचित रेशियो में शेयर किया जाना चाहिए। अगर मकान मालिक चाहे तो किराए में बढ़ोतरी भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर रेंटल कानून जो है वह यह सुनिश्चित करता है कि मकान मालिक अपने इस अधिकार का दुरुपयोग न करे और स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे हैं। लेकिन अमूनन जो प्रैक्टिकल है कि हर 11 महीने के बाद, चाहे वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, वो 10% के द्वारा उसमें इजाफा होता है रेंट में, या दोनों के बीच में जो भी आपसी सहमति है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो कानून हो गया, ये तो जजमेंट हो गया, ये अधिकार हो गया, अब अगर किराएदार इसको मानता नहीं है और आप उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? जी हाँ, हम करेंगे चर्चा उसकी कि इविक्शन प्रोसेस क्या है। तो 3 स्टेप्स का ये प्रोसेस है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो भी कारण हो आपके, जिसके कारण इन कानूनों के दायरे में आप चाहते हैं कि आपका किराएदार बाहर चला जाए, तो आप उसको एक नोटिस सर्व करें जिसमें आप कारण बताएंगे कि आप उसको क्यों बाहर जाने को कह रहे हैं। एक समय सीमा देंगे, जितना समय आप उसको किराए मकान को खाली करने के लिए कह रहे हैं या दुकान को, ताकि वह दूसरी जगह अपना व्यवसाय ले जा सके, ऐसा सब बातों को लिखित करते हुए आप उसको एक नोटिस फॉर डिपार्चर देंगे। हम लोग इसको कहते हैं इशू नोटिस फॉर डिपार्चर। इस नोटिस को आप सब्सिक्वेंटली कोर्ट के द्वारा भी सर्व कराएंगे। कोर्ट के इस नोटिस के आने के बाद अमूनन किराएदार बाहर का रास्ता अपना लेते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी खाली कर देते हैं, वो रीजनेबल ग्राउंड है वहाँ पर, आपने उनको उचित समय दिया है, तो विवाद का विषय नहीं है। लेकिन
यहाँ पर अगर किराएदार चाहे तो आपके इस नोटिस को चैलेंज कर सकता है, और अगर उसने इस नोटिस को चैलेंज कर दिया, कोर्ट के नोटिस आने के बाद भी मकान को खाली नहीं किया और उसने आपके इस इविक्शन नोटिस को चैलेंज करने का फैसला किया, तो आप स्टेप नंबर 2 पर आएंगे, जहां आपको इविक्शन प्रोसेस प्रोसीडिंग्स लीगली शुरू करनी पड़ेगी। अर्थात आप जो भी आपका कंसर्न कोर्ट है, जुडिक्शन के हिसाब से, प्रॉपर्टी के लोकेशन के हिसाब से, आप वहां जाएंगे और वहां जा कर के आप इविक्शन लॉ सूट फाइल करेंगे। अब इविक्शन लॉ सूट जब फाइल हो गया तो कोर्ट दोनों पक्षों की बातों को सुनेगा, बहस होगी, गवाह अगर जो होंगे वो एग्ज़ामिन किए जाएंगे, जो भी प्रूफ्स होंगे वो एग्ज़ामिन किए जाएंगे, और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट फाइनली अपना एक जजमेंट देगा। अगर उस जजमेंट ने कोर्ट ने आपके आधार को पुख्ता पाया तो स्वाभाविक है वह किराएदार को बाहर जाने के लिए कहेगा, और ऐसी हालत में किराएदार के पास कोई विकल्प नहीं होगा। इस फाइनल इविक्शन नोटिस या इविक्शन ऑर्डर, नॉट नाउ नोटिस, दिस इज नाउ इविक्शन ऑर्डर के बाद कोर्ट को किराएदार को बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये था किराएदारों और मकान मालिक के बीच के संबंध की कहानी। हम ऐसे एपिसोड लेकर आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। देश की इकोनॉमी चलती रहे, इकोनॉमी का चक्र चलता रहे, मकान मालिक और किराएदार का संबंध स्वस्थ रूप से बना रहे, त्रुटिहीन रहे, लीगल रहे, कानूनी रहे, इसके लिए दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के अपने अपने कानूनी हक हैं। उस दायरे में रहकर अगर हम काम करते हैं तो एक दूसरे को परेशान करने या परेशान होने से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा यह एपिसोड जारी रहेगा, तो आने वाले जो विषय हैं जिस पर हम और श्रृंखला लेकर आएंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए पड़े हैं। फिर भी चलते चलते हम आपको अपनी अगली श्रृंखला में बताएंगे कि आप अगर रेंट रिसीप्ट्स इशू करते हैं किराएदार के फेवर में तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसका क्या प्रारूप होगा। आप में से अक्सर लोगों ने मुझसे रेंट एग्रीमेंट की बात की है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक सैंपल रेंट एग्रीमेंट एक ऐसी श्रृंखला में मैं दे पाऊं। आपसे इस विषय पे भी बात होगी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कानून है, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी के हालात में आप क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग कर सकते हैं, कॉमर्शियल में आप क्या मांग कर सकते हैं, इस पर भी एक श्रृंखला लेकर आऊँगा। मैं आप किराएदारों के बेनिफिट के लिए ऐसे 12 प्लेटफॉर्म की चर्चा करूँगा जहाँ आप क्रेडिट कार्ड से अपना किराया मकान मालिक तक पहुँचा सकते हैं। मैं आपसे पुलिस वेरिफिकेशन अपने टेनेंट्स का कैसे कराएं, इसके बारे में भी अगली श्रृंखला में बात करूंगा, और आपसे अंत में इस श्रृंखला के इस विषय पर बात होगी कि रेंटल एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहां से होगा, और रेंटल एग्रीमेंट का टेन्योर क्या होना चाहिए, उसका पीरियड क्या होना चाहिए, ताकि आप किसी भी अनावश्यक परेशानी या कानूनी मुकदमे में नहीं फंस सके। तो इतनी बातों के साथ आज मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यहीं अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।